i you ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस बार की टीम आई है जिला कठुआ के जंडोर पंचायत में लखनपुर जो कि जम्मू कश्मीर यूटी का प्रवेश द्वार है बिल्कुल साथ में सटा हुआ ये इलाका है जंडोर पंचायत यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है बात की जाए यहाँ पर सड़क की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है इसके साथ साथ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और इसी को लेकर आज ग्राउंड रिपोर्ट की टीम जंडोर गांव में यहां पर पहुंची और यहां पर लोगों से बात करेंगे और जिस तरह से अभी तक लोगों ने ये बताया है कि यहां पर सड़क की समस्या है इसके साथ साथ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है और पानी से इन लोगों को दो चार होना पड़ता है कई बार इन लोगों ने रोष प्रदर्शन भी किए हैं प्रदर्शन के बाद हालांकि पानी जो है इनके गांव में यहां पर पहुंच गया है लेकिन लोगों का ये कहना है कि पर्याप्त मात्रा में अभी भी उन्हें पीने का पानी मुहैया नहीं करवाया जा रहा है यहां के लोगों से बातचीत करेंगे जी मैम आपका नाम और बताएंगे कि आप यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्या क्या समस्या जो है इस जंडोर पंचायत में आपको आपके समक्ष यहाँ पर पेश आ रही है सर मेरा नाम ईशान डोत्रा है हम इधर लखनपुर रहने वाले हैं ये एरिया हमारा ये वार्ड नंबर एक जंडोर में पड़ता है यहाँ पे सर पहले पानी की समस्या बहुत ज्यादा है अभी तो पानी मिलना थोड़ा शुरू हुआ है वो भी हमें विरोध करके ऐसे नहीं मिला उसके बाद अभी पानी अभी गर्मी आ रही है वो भी बंद हो जाएगा और यहाँ की सड़कों की हालत इतनी बुरी है कि अगर हम अपना घर बनाए मटेरियल नहीं ला सकते अगर कोई बीमार है हम उसे ले जा नहीं सकते यहाँ पे मतलब कि कोई सुविधा नहीं है आप भी सोचिए कि अब आजादी का कितनी देर हो और ऊपर से आप मोदी जी चल रहे हैं और मोदी जी के होते हुए अभी ये हालत है तो फिर सोचिए कि आगे आने वाले दिनों में पता नहीं क्या हालत होगी हमारी अच्छा पहले सबसे पहले ये बताएं कि ये जो सड़क आप समस्या बता रहे हैं ये कितने इलाके को सड़क जोड़ती है सही ये तो इसी कोई इधर घर है कोई बाईस तेईस घर है उन्हीं को जोड़ती है ये पर नीचे तक उन्होंने इसको थोड़ा थोड़ा काम करते कोई दस साल बाद उन्हें याद आ जाता है अगर सर, हमारे सरपंच साहब है उन्होंने बोला कि मेरे पास जितने पैसे थे मैंने मैंने उसका ड्रेन बना दिया उन्होंने इतनी हम बोलते मेरे पास थे मैंने इतना लगा दिया अब हमारी डीडीसी डी, -डी हैं वो उनका औहदा बड़ा है वो ही इसको काम को कर सकते हैं हमने उनको भी बोला था वो भी आए थे यहाँ पे हमने उन्हें बोला था अभी बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा ये सब कुछ बह जाएगा ये तो ऑलरेडी पिछली बरसात में बह चुका है इधर तो घर भी खतरों में है हमने ये बोला कि अगर कुछ नहीं तो ड्रेन का काम करवा दो कुछ अर्थ वर्क ही करवा दो हमें इतना तो आश्वासन हो जाए कि थोड़ा तो कुछ शुरू हो गया हमारे यहाँ पे काम कोई नहीं कोई नहीं सुनता कोई सिर्फ आते हैं आश्वासन देते हैं हमें वोटों के लिए तो सभी भाग के आते हैं ये बात है यहाँ तो अभी अभी आपने जो यहाँ पर जिस तरह से आपने जिक्र किया की कि आपके यहाँ पर सरपंच हैं पंचेज है जहाँ डीडीसी है कभी आपने उनको बोला है कि इस तरह की परेशानी हो रही है और आप लोग खतरे में है क्योंकि आपने बताया की सर हम बहुत बार बोला है हम अपने सरपंच साहब को भी लेके आए थे उन्होंने बोला था कि मेरे पास अभी इकतीस मार्च के होते हुए मतलब कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि जो मैं इस पे लगा सकूं मेरे पास जितना था मैंने नीचे ड्रेन बना दी है और कुछ नहीं है मेरे पास हम डीडीसी आए थे हमने डीडीसी को भी बोला तो उन्होंने भी यही बोला की नहीं ये प्लान अक्टूबर में रखे जाएंगे तो अक्टूबर की बाद बात करें तो ये तो बरसात में तो ये तो सब बह जाएगा अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हम तो का जो में वाला। भी गए जैसे इधर हालत है इतनी बुरी हालत है सड़क तो चाहिए क्योंकि अब तो बच्चे भी स्कूल जाते हैं मॉडर्न सिटी बन रही है तो फिर लखनपुर फोर फोर वे बना रहे तो अभी तो इधर तो कुछ तो बनाना चाहिए उन्हें कुछ तो करना चाहिए अभी हमसे यही गुजारिश करते हैं कि डीडीसी बीडीसी हाँ सरपंच साहब जागो और यहां का देखो बाकी सब कहीं बनाया आपने अब यहीं पे भी कुछ बना दो वोटो के लिए थोड़ी आना है बनाना भी होता है कुछ यही चाहते हैं सरकार की एक बड़ी योजना है सरकार बैक टू विलेज के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र में जितने लोगों को परेशानी होती है वो एक अधिकारी आते हैं वो यहाँ पर सुनते हैं आपके गाँव में भी बैक टू विलेज हुआ होगा और आपने तब भी ये परेशानी उस अधिकारी के सामने रखी होगी सर बहुत बार हमारे सरपंच साहब ने मतलब कि वीडियो के जब वो आते हैं कुछ भी प्लान होते हैं वो उन्होंने हमें बुलाया था हमने वहाँ पे अपनी बात रखी थी पर वो बोलते हैं यहाँ पे तो करोड़ों का प्रोजेक्ट है ये हमारे अंडर मुश्किल है ऐसे मतलब कि नाराजगी वाला मुंह दिखा के वो बोलते हैं कि नहीं ये तो हमने डीडीसी आई थी हमने उनको भी बोला था कि आप आपको उदा बढ़ा दिया गया ये तो आप उसको कर सकते हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया था बना देंगे पर अक्टूबर तक बनेगा अभी मुश्किल है तो अक्टूबर कई अक्टूबर चले गए सर अभी तो मतलब की उम्मीद ही छोड़ दी हुई है अच्छा ये जो आपने बताया की जो प्रोटेक्शन वाला है जो घरों के बिल्कुल सामने है जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये कब गिरी है यहाँ से सही पिछली बरसात में गिरी थी तो उसके बाद किसी ने नहीं देखा कुछ नहीं भूकंप आया उससे डरते ये लोग सभी भागे कि शायद ये गिरेगा तो घर भी गए सब कुछ गए उसके डरते चलते हमें आपको बुलाना पड़ा कि हम तो मतलब कि मुश्किल में क्या कि हम डेंजरस जोन में आए इस वक्त क्योंकि तो ये इलाका जो है देख रहा हूँ कि घर जो है पहाड़ी के ऊपर जो घर है तो कितना कितना खतरा देखते हैं आप लोग सर बहुत ज्यादा ये आज का खतरा नहीं है सर ये पता नहीं कोई चालीस पैंतालीस साल से यहाँ रह रहे हैं तो तब भी खतरा था पर ये पहले तो थोड़ा था आता आहिस्ता ये जैसे गिरते गए गिरती की गिरती की वैसे फिर इन्होंने प्रोटेक्शन बाल बनाई पर प्रोटेक्शन बाल भी गिरती गई है पर मजबूती से बनाते तो ये नहीं गिरती ना तो अब तो लोगों ने यहाँ पे अपने लाखों के खर्चे किए हैं इतना अब इधर से कहा जा सकते हैं यही बात है तो काफी ज्यादा घर जो है यहाँ पर बने हुए हैं सड़क की समस्या आपने बताई पानी की समस्या बताई स्कूल की किस तरह की हालत है स्वास्थ्य सुविधा किस तरह से और बिजली का किस तरह से ढांचा यहाँ पर मजबूत है आ, सर बिजली तो मतलब की प्रॉपर तो आ ही रही है हमें अभी तो वो तो अभी तो देंगे ही प्रॉपर क्योंकि अब तो उन्होंने बिल भी अभी ज्यादा कर दिए हुए हैं तो अभी तो प्रॉपर देंगे पर बात यह है कि अगर आप बोलें कि जो स्कूलों की हालत है वहां तो हम अभी तक गए नहीं क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो ज्यादातर तो लोगों ने प्राइवेट स्कूल डाले हुए हैं तो गवर्नमेंट है तो वो कोई गरीब है बेचारे तो वही डालते हैं ये तो उन्ही को पता होगा कि क्या हालत है उनके स्कूलों की यहाँ तो मैक्सिमम आप बोलो कि अनएजुकेटेड एजुकेटेड लोग भी हैं पर जो गरीब हैं उनको पता होगा क्या हालत है द स्कूलों की भी ये तो आप इन इसे पूछ सकते हैं तो ये इस पंचायत की अगर बात की जाए तो लोगों को काफी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ज्यादा परेशानी की अगर बात की जाए तो सड़क की समस्या है एक पहाड़ी के ऊपर ये पूरा जो मोहल्ला है ये बसा हुआ है और 20 से 22 घर जो है इस इलाके में बताए जा रहे हैं और प्रोटेक्शन जिस तरह से आप तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि प्रोटेक्शन वाल जो है ये यहाँ पर गिरी हुई है और लोगों को खतरे का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है और लोगों ने रोष प्रदर्शन जताया है प्रदर्शन करते हुए ये मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का हल किया जाए कुछ और लोग भी हैं उनसे भी बात करेंगे जी सर आपका नाम मेरा नाम सर भारत भूषण है भारत मुझे बताएं कि क्या क्या समस्या है आपको इस गांव में वार्ड नंबर एक हमारा इधर पंद्रह बीस घर है हमारे घर में इधर मोहल्ले में तो हम तीस चालीस साल से रह रहे हैं यहाँ पे हमें कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे देख लिया आपने सड़क का देखा सड़क पानी अभी पानी नहीं आ रहा था ढाई महीने हो गए थे पानी की प्रॉब्लम के अभी थोड़ा रोज प्रदर्शन किया और पानी भी आ गया तो अभी हमारे सड़क का इतना बुरा हाल है कि अभी कोई बीमार पड़ जाए रात को रात को कैसे जाना है कोई गाड़ी का नहीं आ सकती इधर प्राइवेट व्हीकल कोई नहीं आ सकता नहीं। तो हमें सड़क की बहुत बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो शादी शादी हो जाती है कभी किसी की लड़की की या लड़के की शादी होगी तो हमें यहाँ कोई व्हीकल नहीं आ सकती नहीं। वो भी पीछे लगाना पड़ती है आजकल कौन सा जमाना है सर जो जिसके घर में कोई गाड़ी रोड नहीं है जिस मोहल्ले में कोई रोड नहीं है हमारे गाँव में तीन तीन गलियां एक बार पुट ऑफ करके दोबारा बनाई गई है लेकिन इस मोहल्ले में किसी ने कोई डेवलपमेंट नहीं की जो नेता वगैरह इधर आते हैं झूठे आश्वासन दे चले जाते हैं बस हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे इधर सड़क की सुविधा की जाए बस यही धन्यवाद चाहते हैं तो जो आपके नुमाइंदे हैं जी यहाँ पे पंच हैं सरपंच हैं बीडीसी हैं डीडीसी हैं कभी उनको बताया नहीं किस तरह से समस्या हो रही है और हमारे गाँव में अभी तक सड़क जो है वो नहीं बनी है बहुत बार बताया सर वो यही बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है पंचायत में इतना पैसा आता नहीं है अगर हैंडपम्प के लिए बोला था उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया कि पंप आपका कर देंगे लगवा देंगे अप्रैल महीने तक लेकिन अभी बीडीसी की चेयरमैन जो डॉक्टर श्वेता जी आई थी उन्होंने बोला कि मैं ड्रेन का काम करवा दूंगी मतलब थोड़ा बहुत ड्रेन करवा दूंगी उसके बाद रोड का पैसा नहीं है मेरे पास तो रोड हमें ये आश्वासन मिले कि रोड हमारा बनाएगा कौन ये कुछ कार्य हुआ है हमने देखा कि कुछ विकास कार्य तो उन्होंने प्रोटेक्शन नाली बनाई है उसके बाद आगे बंद हो गया बोलते हमारे पास पैसा ही इतना आया था तो वो तो उन्होंने गलत किया अगर ऊपर से नाली बनाते तो तभी ये थोड़ा रास्ता हमारा बच जाता तो नीचे से बनाया अभी वो जो बरसात आएगी तो वो भी बह जाएगा तो हमारे हमारे तो फिर वही रोना रोना हमारे पल्ले रह गया तो जिस तरह से बता रहे हैं कि ये प्रोटेक्शन वाल है और जो इस बरसात की वजह से यहाँ पे गिर जाती है तो क्या पानी जो है वो कहा से आता है क्या ऊपर ऐसा पानी का स्रोत है कि जिसकी वजह से भाव पानी का ज्यादा हो जाता है और इस तरह से नुकसान जहाँ पर उठाना पड़ता है आप लोगों को सर ये यही बात है कि ऊपर खेत है लोगों के और खेत खेतों का सारा पानी इकट्ठा होके वो गली में आ जाता है अगर गली में नाली बन जाए तो पानी नाली में चला जाता है

कोई बराती आएंगे तो क्या देखेंगे यहाँ कैसा माहौल है इस मोहल्ले में कोई आता नहीं कोई जाता नहीं कोई सड़क नहीं है नहीं। तो कैसे हम अपने जीवन का मतलब बराती वो क्या हम दिखाएंगे कि कहाँ रहते हैं हम ये तो हमारा इलाका है जिंदोर से लखनपुर से बैक साइड दो, दो किलोमीटर एरिया है यहाँ तो आज हटली हा, से भी ऊपर गाँव है उनके एक घर में एक घर है ना ऊपर वहाँ भी पक्की सड़क बनी हुई है पक्की गलियां बनी हुई है लेकिन हमारा तो सिटी के पास में बगल में गांव है हमारे यहाँ आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई तो अभी जो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो हमारी अगर इस रिपोर्ट को देख रहे हो तो आप क्या डिमांड करते हैं हम डिमांड यही करते हैं कि सर हमारा समस्या सुनी जाए हमारा जो रास्ता है ये क्लियर किया जाए चलो हम इतना जल्दबाजी हम भी नहीं करेंगे चलो हम थोड़ा थोड़ा हमें बना के दे दें पहले नाली का बनवा दें ड्रेन करवा दें हमारा उसके बाद जब रोड बनेगा तो रोड भी हमारा बनवा दें आप ही बनवाएंगे तो कौन बनवाएगा नहीं तो हम रोड हाईवे बंद करेंगे हमारी यही सरकार से गुजारिश है कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ उनसे भी बात करेंगे जी सर क्या नाम आपका मेरा अरकेश सिंह है, है पंचायत झुंडोर से और सर मैं अपनी प्रॉब्लम ये रखना चाहता हूँ कि मेरे गली मोहल्ले में इतना रास्ता खराब है कि कोई इधर देखने ही नहीं आता है जूठा श्पासन देख के चले जाते हैं या जा बोर्ड चाहिए तो हमारे घर में बैठ के कभी चाय पी लेते हैं कभी कुछ कर लेते हैं आपका सब काम करवाएंगे उसके बाद सब चले जाते हैं और ये अनपढ़ लोग हैं हम भी अनपढ़ लोग हैं हमें ऐसे जूठा श्पासन देख के चले जाते हैं और उसके बाद दोबारा हमें मिलते नहीं अब हमने काम करवाने का बंद करवाया था इधर काम की काम नहीं कर गली का इसको बंद कर दो तो कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है कत्ती मार्च तक ये काम होगा उसके बाद नहीं होगा हर साल में इकत्ती मार्च आता है एक ही साल में खोली आता है इसी साल में आया था थोड़ा सा काम करवाया तो बंद करवा दिया उसके बाद सरपंच को बोला हमने कि सर हमारे पानी की प्रॉब्लम बहुत है तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि आपको जा तो नाले पानी चाहिए या फिर गली चाहिए बनी हुई तो देखो उस पर पानी की प्रॉब्लम गली की प्रॉब्लम है तो उन्होंने बोल दिया कि पानी चाहिए तो उन्होंने बोला कि दस तरीक को हार्ड पंप लगाएँगे उसके बाद सर देखो अभी दस तरीक लगाते हैं या नहीं लगाते हैं उसके बाद इनको हमने बोला बोला कि कि हमारे गली में दोबारा चक्कर लगाना या देखना आना है क्या अच्छा है क्या हो रहा आपने आपने को एक चीज इतनी देर हो आपको पर पर रहते हुए तो अभी झूठे दिता रस्ता बनी बनना कल बनना कल बनना वोट लेंदे कोई पैर नहीं रखता वोट लाने लारा ਤੋੜਾ ਹੀ ਆ ਜਿਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਪਹਿਲਾ ਤੋੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੋਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਖਾਲੀ ਬੋਰ ਲੈਣ ਆਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਆ ਪਿੰਡੇ ਗ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਜੜਿਓ ਤਰੇ ਤਰੇ ਵਾਰੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਵੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਨਸਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੱਲ ਲੱਬਿਆ ਆ ਚਲਿਓ ਸਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਘਰ ਗਲੀ ਬਣਦੀ ਐ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਸਤਾ ਐ ਤੁਸੀਂ ਬਸੋਲੀ ਗੰਸੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਲੀ ਬਣੀ ਐ ਸਾਢੇ ਰਸਤੇ ਗੋਲ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਐ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਜਗਾ ਪਿੰਡੇ ਚ ਪਿੰਡੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਟੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕੋਣ ਐ ਥੇਲੇ ਖਾਲੀ ਕੋਣ ਐ ਬੋਰਡ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਮਾ ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਲੇਟਰੀ ਆਂਦਾ ਘਰ ਘਰ ਆਂਦੇ ਬਈ ਆ ਜਿੱਤੇ ਕੋ ਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਵਗਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਉੱਠਾ ਦਲਾਸ਼ ਦੇ ਰੇਵਾਰੀ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨੇ ਬਿਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬਣਾ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਲ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਪਾਵੇਂ ਸਾਲ ਵੀ ਆਂਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਬੈਕ ਟੂ ਵਿਲੇਜ ਕਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰੱਖੇ ਮਾਰੇ ਬੜੇ ਬਾਈ ਰੱਖੇ ਖਾਲਿਸ ਠੂਠਾ ਦਸਨ ਦੇਣਾ ਬਈ ਬਣੀਆ 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 ਲਿਖੀ ਆ ਦਿਖੀ ਆ ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਦੁਆਰਾ ਐ ਕਦੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚ ਆਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਫਿਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਲੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਮਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਇਨ ਕਰਾਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਤਰਾਹ ਵਾਰੀ ਸਾਇਨ ਕਰਾਈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਧਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਥਾ ਇਧਰ ਵੀਡੀਓ ਆਫਿਸ ਥਾ ਹਮਾਰੇ ਹਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਧਰ ਜੰਡੋਰ ਕਾ ਥਾ ਕਰੋੜਾ ਘਾਮਾ ਇਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਲਖਨਪੁਰ ਬੇਚ ਦਿਆ ਪੱਲੇਹਾਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪ ਉਧਰ ਬੈਠੋ ਉਧਰ ਕੀ ਆ ਲਖਨਪੁਰ ਮੇ ਕਾਮ ਥਾ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਜੰਡੋਰੋ ਔਰ ਕਰੋੜਾ ਘਾਮਾ ਕਾ ਥਾ

ਇਥੋਂ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਏ ਇਤਲਾਰ ਲਾਈਏ ਬਰਸਾਤ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਚਿਕੜੇ ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੰਜ ਆਣ ਇਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਇਥੇ ਮੋਟਰਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਲੈਦਾ 12 13 ਸਾਲ ਹੋਈਏ ਉੱਥੇ ਸੜੀਆਂ ਤਲਾਰੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਲੰਦੀ ਕਦੀ ਜੇ ਦੇਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰਸਤਾ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਇੱਧਰ ਪੜਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜਦੇ ਆਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਧਰ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਧਰੇ ਇਤਨੀ ਰਸਤੇ ਮੇਂ ਇਤਨੀ ਜੂਆ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਹਮੇਂ ਇਤਨੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਸਕਤੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਡਾਲਿਆ ਦੂਰ ਹੈ ਯਾਂਸੇ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਇਧਰ ਹਮਾਰਾ ਘ

अधिकारी आते हैं जो आपके नुमाइंदे हैं क्या आश्वासन देते हैं और क्या सर, बोलते हैं सर सब झूठ बोलते हैं बोलते हैं हमको वोट दो हम आपकी सड़क बनाएंगे फिर कुछ नहीं करते फिर वोट ले लेते हैं उसके बाद कोई नहीं इधर आता है। सर कोई पूछता भी नहीं हमें ये भी नहीं देखते इनके बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं उनके बारे में सोचे कुछ नहीं सर हमारे रिश्तेदार कोई आता है मेरे भाई भी आता कोई भी आता सब उधर गाड़ियां उधर लगाते हैं सड़क में कोई आता भी नहीं बोलते आपकी सड़क नहीं है इधर सबसे बड़ी बात बताई कि आपके बच्चे जो हैं बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी होती है बच्चे जो हैं देश का भविष्य है और भविष्य किस तरह से अंधकार में है ये आप बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं बरसात के दिनों में या आम दिनों में स्कूल नहीं जा पाते हाँ इतनी मुश्किल होती है अभी तो ठीक है जो जुबार होती है ना इतना इतना पानी होता है खेत में तो बच्चों को इतनी मुश्किल होता है सारा यूनिफॉर्म जा, गंदा हो जाता है गंदा हो जाता है कई बार बच्चे स्कूल में नहीं भेजते हैं हम इस सड़क की वजह हम यही बोलते हैं सरकार से हमारी सड़क बनाई जाए हैं, कोई कुछ भी बोली सद्दाई रस्ते भी, कोई बच्चे तंग कर बच्चे इनकी फसल ऐसी इसी पुटना या किस करना थे 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 थे। बच्चे प्रॉब्लम रास्ता नहीं है न? रास्ता हमारा रा, गंदा है, तो मैं बता रहा हूँ यही बात बता रहा हूँ कि, कि किसी के ताने सुनना पड़ता हमें कि बच्चे जाते हैं बच्चों को क्या पता है कि फसल खराब हो रही है कुछ खराब हो रहा है मां बाप तो घर बैठे होते हैं कोई बच्चों को छिड़के देते हैं कोई कुछ कर देते हैं बस यही हम बोलते हैं कि हमारा रास्ता बना दो अगर रास्ता नहीं बनाओगे तो आपके

भूमि ये बताएंगे मेरे को कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि गांव में सड़क नहीं है तो इस सड़क ना होने की वजह से आपको कितनी परेशानी होती है हम हमें जब बारिश होती है तो ह, हम जब स्कूल जाते हैं हमें फसलों में जाना पड़ता है और और हमें अब अग, अग, और हमारी गाड़ी बहुत ज्यादा दूर लगती है इसलिए हमारी सड़क बननी चाहिए तो कभी जिस तरह से काफी देर से से समस्या है यहाँ पर सड़क से तो आपको कितनी देर होगी स्कूल जाते हुए हमें बहुत दिन हो गया स्कूल जाते हुए तो कभी बोला नहीं है आपने कि मम्मा इस तरह से सड़क की समस्या है गांव के खेतों से जाना पड़ता है हाँ बोला तो है पर मम्मा बोलते हैं बन जाएगा बन जाएगा पर ये कभी बना नहीं है अभी तक बना नहीं है तो जब आप जिस तरह से बताया कि आप खेतों से होकर स्कूल जा, जाते हैं तो आप स्कूल जाने में लेट भी हो जाते होंगे कभी कभी हाँ हाँ जी मैं लेट हो जाती हूँ बहुत बार हाँ, तो जिस तरह से आप बताया गाड़ी भी काफी ज्यादा दूर लगती है तो हर रोज आपको कितने कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है आपको दो दो किलोमीटर पैदल जाते हैं तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं केंद्रीय विद्यालय लखनपुर तो ये इस गाँव की हालात है गाँव में काफी ज्यादा समस्या का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है ज्यादातर समस्या की अगर बात की जाए तो गाँव में सड़क की समस्या है सड़क की समस्या के साथ साथ ये गांव जो है एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो प्रोटेक्शन वॉल है ये यहाँ पर बह चुकी है और लोगों को खतरे का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि जब बरसात के दिनों होते हैं तो यहाँ पर पानी जो है वो ज्यादा आ जाता है जिसकी वजह से इनको परेशानी होती है तो इनका यही डिमांड है कि सड़क जो है वो जल्द से जल्द बनाई जाए और सबसे पहले जो सबसे बड़ा खतरा है जो प्रोटेक्शन वाल जो है गिरी हुई है इसको यहाँ पर लगाया जाए ताकि जो घर हैं उनकी यहाँ पर प्रोटेक्शन की जा सके गुलिस्तान ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप और हमारी टीम आज पहुंची है जंडोर इलाके में जो जिला मुख्यालय कठुआ से सटा हुआ इलाका है और ग्रामीण क्षेत्र है कई तरह की परेशानियां यहाँ के लोगों ने गिनाई हैं कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ उनसे बात करेंगे सर यहाँ पर लोगों ने बताया कि सड़क की काफ़ी ज़्यादा समस्या है इसके साथ पानी की समस्या भी यहाँ बताई है आप किस तरह से देखते हैं क्या क्या परेशानियों का सामना है? इस पंचायत में लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियाँ बहुत है सर जो हमारे लोगों ने बताया है बिल्कुल सही बताया है ये आज की प्रॉब्लम नहीं कम से कम चालीस साल की प्रॉब्लम है सड़क नहीं है इधर आप देख सकते हैं ये कैसा रोड है हमारे गांव में पूरी सड़कें है वार्ड नंबर दो में ना सड़क है ना पानी है ना हैंडप वगैरह है तो हमारी यही डिमांड है कि हमारा रोड बन जाए और हमारे लिए एक हैंडप लग जाए बस और क्या हम मांगते हैं और कहा अभी आपको देखा हमने आते हुए आप मोटरसाइकिल पे आए किस तरह की परेशानी होती है जब सिर्फ टू व्हीलर्स पर आते हुए कितनी परेशानी होती है तो फोर व्हीलर तो इस गांव में पहुंचता नहीं होगा फोर व्हीलर हमारा वो नीचे मोहल्ला है ऐसी मोहल्ला है वहाँ पर लगाते हैं फोर व्हीलर कोई भी है तो बाइक से आते हैं अकेले बहुत मुश्किल होती है जब हम कोई सामान अभी सामान लेके आपके सामने देखा आपने हमें तो हम कंधे पे उठा के ले आते हैं सिर पे बहुत प्रॉब्लम होती है तो हमने बहुत अपनी बात क्या बोलते हैं उसको मिनिस्टर एमएलए जो भी है सबको हमने अपनी मांग बताई हम मगर कोई सुनने वाला है ही नहीं क्या कहने, कोई सुनता है नहीं है तो गांव में जब कंस्ट्रक्शन वर्क कराना हो अपने मकान का, का काम करवाना हो कोई कार्य करवाना हो तो किस तरह से यहाँ पर मटेरियल पहुंचाया जाता है दो दो तीन तीन ट्रैक्टर लगा के ऐसे ऐसे पहुँचाया जाता है नहीं तो फिर नीचे उसको अनलोड करवा के घोड़े खच्चर वगैरह जो भी है उनको बोल के डबल वो लेबर पड़ती है ज्यादा पड़, जद, पड़ जाती है बहुत मुश्किल है जी शादी ब्याह जो भी है बहुत प्रॉब्लम है अभी हमारे घर में प्रोग्राम है इसलिए हमने उधर नीचे प्रोग्राम रखा है इसी रोड की वजह से कैसे गाड़ियां आएगी ऊपर इसलिए सर बहुत प्रॉब्लम है ये कहना चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारी बात सुन रहा है मिनिस्टर नेता अधिकारी जब, जब, आपकी बात सुन रहा तो आप अपील करके जो है इससे पार्शियलिटी क्यों है, है, है डेवलपमेंट है हम से पार्शियलिटी क्यों है क्या हम इस गाँव गाँव के नहीं है हमारे मन में यही प्रश्न उठता है चार बोरवेल उधर लगे हुए है हमारे इधर एक बोरवेल्व नहीं है तो हर बार हमसे पार्शियलिटी होती है तो दुख इसी बात का है कि हमारे साथ क्यों हर बार पार्शलिटी होती है हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी ऐसे चले गए हमारे भी थर्टी फाइव ईयर्स उम्र हो गई है आगे आगे हमारे बच्चे भी ऐसे ही तो बहुत दुख की बात है ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा बस यही कहूँगा हल हो हमारी सड़क और पानी की प्रॉब्लम ये हल हो जाए तो ये जंडोर पंचायत है और यहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ पर पानी और सड़क की समस्या है इसके साथ साथ और भी समस्या इन, इन लोगों ने पर गिनवाई और प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए सबसे ज्यादा परेशानी की अगर बात की है तो वो पानी और सड़क की समस्या बताई है सड़क की समस्या तो इतनी ज्यादा है कि गांव में सामान तक यहाँ पर नहीं पहुंच पाता है कंस्ट्रक्शन वर्क हो वो सामान यहाँ पर नहीं पहुँचता है घर को जरूरी काम हो वो सामान यहाँ नहीं पहुँचता है और इसके साथ साथ पानी की समस्या से इन लोगों को दो चार होना पड़ रहा है लोगों ने ये अपील की है गुहार की है जिला इंतजामिया से यूटी प्रशासन से कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल किया जाए झंडोर से सरबजीत सिंह गुलिस्तान न्यूज़ के लिए